गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमृता की वाणी में। देखिए कितना मेहनत कर रहा है राइटर सब। जिनका भी एग्जाम है वो NCERT पढ़ेगा, कि NCERT में एकदम सटीकता और एकदम स्पष्ट सही रूप से दिया रहता है। अब आज ही मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी क्लास 8 का, तो उसमें था कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो अधिकांश तो लोग मारिएगा कि काला सोना है, एक कोयला को बोला जाता है, लेकिन कोयला को नहीं बोला जाता है, पेट्रोलियम को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवसाय ना अधिक होता है, इसलिए उसे काला सोना कहा जाता है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 5 है कोयला और पेट्रोलियम क्लास 8 का। यहाँ पे देखिए, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्यों? अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण। दो शब्द से मिला है, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, उलियो का मतलब तेल। जो चट्टान से निकलता है तेल, उसी को पेट्रोलियम बोला जाता है। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि कोई भी एग्जाम हो आप NCERT ही पढ़िए, काहे कि NCERT से आपका क्लियरली होगा हर चीज और एकदम सही जानकारी मिलेगी। कितना कोचिंग वाला को बड़े बड़ा को मैं देखी हूँ, गलत बताता है बहुत कुछ। किसी का भी बैच लेने का कोशिश नहीं कीजिए, काहे कि सब बैच बेचने पे लगा हुआ है। कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है, PRE 1 से लेकर PRE 4 लेते जा रहा है, पता चल रहा है बहाली हुआ है या नहीं, बिहार के बच्चा पढ़ ले है। खाली गिनती करिए, एक बहाली को छुपाने के लिए अगला बहाली ला रहा है, हद है बिहार सरकार। इधर तो हवा बहुत तेज बह रही है, देखिए इधर फसल लहलहा रही है हरा भरा। आप लोग इधर है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2 दिन से तो इधर इतना पछिया है, इतना ज्यादा है कि लग रहा है कि छत पे आई हुए तो खुद यहाँ करके ले जाएगा, ऐसे कर रहा है। NIOS वाले प्यारे भाई बहनों, प्लीज सोच करके डिप्रेशन में नहीं जाइए। होना होगा तो हाथ पकड़ा करके होगा, और नहीं होना रहता है तो आया हुआ चीज चला जाता है। तो जिंदगी का हिस्सा है, जो हुए तो बहुत अच्छा, नहीं हुए तो बाहर में जाए। इसलिए हम सोच सोच करके अपने आप को डिप्रेशन में थोड़ी ले जाएंगे।